वो आवाज मेरी थी, मैं अपने आवाज में रिकॉर्डेड ऑडियो बना के और मुखिया जी गाड़ी का व्यवस्था किए हुए थे और सारा पूरे पंचायत में उसको घुमाया गया था। अब उसके बाद भी लोग कहें हमको सूचना नहीं मिली है तो थोड़ा सा अजीब लगता है। हाँ, हमारे मोबाइल में जहाँ तक कि जितने कॉन्टैक्ट हैं पंचायत प्रतिनिधि के या जो जागरूक लोगों के, क्योंकि अभी आया हुआ हमको यहाँ पे कम समय हुआ है, एक महीना हमको हुआ है यहाँ पे आया हुआ, तो जितने लोगों का कॉन्टैक्ट था उनको मैंने पर्सनली व्हाट्सएप किया उस ऑडियो को, फिर गाड़ी घूमी है, तो सूचना का जो एक बेहतर उपाय होना चाहिए था किया। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं बिहार के मधुबनी जिला के बाबूबरही थाना अंतर्गत छौराही गांव में। यहां आज प्रशासन आपके द्वार के तहत बुधवारी कैंप रखा गया है, जिसकी तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आपको बताएं कि मधुबनी जिला पदाधिकारी के द्वारा ये एक स्कीम तैयार किया गया, जिसके तहत हर एक पंचायत में जा करके प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोग पहुँचते हैं, जो पदाधिकारी है, और वो जा करके गाँव की समस्याओं को सुनते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि इसी पंचायत में लगभग 14 वार्ड है और अभी जहाँ पर हम खड़े हैं ये अप्रोक्स 4 वार्ड इस एरिया में पड़ता है, लेकिन 10 वार्ड जो इसी गांव का है वो किसी एक दिशा दूसरे दिशा में है। समस्या ये है कि इतने बड़े गांव होने के बावजूद जिस तरह की भीड़ है, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं गांव के जो लोग हैं वो यहां नहीं पहुंच सके हैं। इसकी क्या कुछ वजह है, क्या जनप्रतिनिधि ने सही तरीके से लोगों को जागरूक नहीं किया या पदाधिकारी के द्वारा सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, इसका अंदाज़ा इसको लेकर के गाँव ग्रामीण के लोगों ने कहीं ना कहीं शिकायत दर्ज की है कि जो गाँव के लोग हैं वो सही तरीके से यहाँ नहीं पहुँच सके हैं। बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे पदाधिकारी से हमने बातचीत की, उनका ये कहना था कि यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं वो अतिक्रमण को लेकर के है। जब आवास योजना के जो पदाधिकारी, हमने उनसे बातचीत की तो उनका भी यही कहना था कि आवास से रिलेटेड कुछ लोगों की समस्याएं थी। वहीं सीओ साहब ने ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही यहाँ का जो पंचायत भवन है उसे सही कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पंचायत भवन सामुदायिक भवन होने के बावजूद आज इस सरकारी प्रोग्राम को एक स्कूल में रखा गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्कूल के बच्चों को भी परेशानी हुई होगी और आज स्कूल भी बंद हुआ होगा। अगर आज इस गांव का सामुदायिक भवन, इस गांव का पंचायत भवन सही होता तो बच्चों को पढ़ाई के लिए भी बच्चों के पढ़ाई में भी कोई नुकसान नहीं होता और कहीं ना कहीं गांव के लोग पंचायत भवन पहुंच पाते और वहां जा करके अपनी शिकायत रख सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी कुव्यवस्था की वजह से ये हालात है कि पिछले कई सालों से सरकारी पंचायत भवन जर्जर बना हुआ है और कोई भी उसके हाल को ठीक करने वाला नहीं है। हालांकि जो बीडीओ साहब हैं उनसे हमने बातचीत की, उनका ये कहना है कि हम इसको लेकर के पूरी तरीके से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। यहाँ जो जब एनओसी मिल जाता है, हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि एनओसी मिल गया है, अब वहाँ का काम करवाया जाएगा और काम करवाने के बाद यहाँ की समस्याओं का निदान हो जाएगा। जब यहाँ के सरपंच से हमने बातचीत करने की कोशिश की, उनका ये कहना था कि हमने इस कैंप को पूरी तरीके से बायकॉट किया है क्योंकि ये हमारे एरिया से बहुत दूर जा करके रखा गया है। अगर इसे बीच गांव में रखा जाता तो कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं का हल यहां पर निदान होता, लेकिन चूंकि ये किसी एक साइड में ला करके रख दिया गया, अब यहां जनप्रतिनिधि की चूक हो या फिर यहां के पदाधिकारी की चूक हो, ये जाँच का विषय है। मैं शशि शेखर, ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत छोड़ी। नॉर्मली इस कैंप में आपको नाम नहीं रहने का लेके आवेदन आ रहा है। अधिकतर लोग यही आवेदन कर रहे हैं जो मेरा नाम आवास योजना में नहीं है या हमको अभी तक आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। नॉर्मली ये दो तरह की शिकायतें आ रही है। कुछ लोगों का इस तरह का भी शिकायत आया है जो मेरा नाम इससे पहले सूची में था लेकिन किसी कारणवश से वो विलोपित हो गया। देखिए, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का क्राइटेरिया है, कुल 19 बिंदु है, उसके आधार पे नाम जुड़ने के टाइम में नॉर्मली जो लोग बोलते हैं जब हमको अभी तक आवास का लाभ नहीं मिला है तो जोड़ दिया जाता है, लेकिन फिर हम लोग उसको 19 पैरामीटर पे मापते हैं जो कौन इसके योग्य है कौन इसके अयोग्य है। तो कुछ लोग उस क्राइटेरिया में आ गए होंगे, इस वजह से उनका नाम छटा होगा, है ना। कुछ लोगों का ऐसा भी आया है जो विभाग के द्वारा जो सॉफ्टवेयर पे अपलोड किया गया था वो ऑटो डिलीट हो गया, तो उस वजह से भी कुछ योग्य लोगों का नाम, कुछ लोग ऐसे ऐसे अभी कैंप में आए हुए थे जो लगा नहीं, नेचुरली इनको मिलना चाहिए था लेकिन उनका आवास सॉफ्ट पे ऑटो डिलीट हो गया है नाम, तो उन लोगों को यही आश्वासन दिया गया है जो अब जो नाम जुड़ने का समय आएगा तो उसमें प्राथमिकता के साथ उनका आवेदन भी ले लिया गया है और प्राथमिकता के साथ उनका नाम पहले जोड़ दिया जाएगा। सर, बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है क्योंकि आप जगह जा रहे हैं
कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आवास योजना का फायदा वो लोग ज्यादा उठा लेते हैं जो उसके लिए एलिजिबल नहीं होते। अगर आप किसी गांव में आप भ्रमण करते होंगे तो आपको अंदाजा लगता होगा कि इतनी बड़ी योजना है प्रधानमंत्री की, इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेघर हैं, जिसके घर के ऊपर छप्पर नहीं। क्या वजह लगती है सर? देखिए, अब इस योजना में पारदर्शिता इतना ज्यादा आ गई है, नाम जोड़ने से लेके मैं शुरुआत करता हूँ, जब नाम जोड़ने की बारी आती है तो आवास सहायक घर घर जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा जनता को भी कंसेस होना होता है। हम आपके दरवाजे पे जाते हैं एक दिन के लिए, जब हम मूव करते हैं आपके मोहल्ले में तो नाम जोड़ने के लिए उसे पहले बकायदा प्रचार प्रसार किया जाता है, लोगों को जानकारी होती है और उसका एक समय निर्धारित होता है, उसी में हमको पूरे पंचायत के लोगों का नाम जोड़ना होता है। तो कमोबेश ऐसा होता है जो एक दरवाजे पर हम एक से दो दिन से ज़्यादा नहीं जा पाते, तो उसमें कुछ योग्य लोग भी छूट जाते हैं। और रही आपको जो भी आपने कहा है, देखिए क्राइटेरिया जो है आवास योजना का उसके आधार पर ही किया जाएगा। अब उसमें होता है क्या, जो कभी कभी देखते हुएगा एक परिवार में चार भाई हैं और उनके पास तीन पक्का का मकान है, तो फिर जब उसका बंटवारा होता है तो फिर वो चौथा भाई कहाँ रहेगा, तो वो सब भी थोड़ा सा देखना होता है, बहुत सारा पैरामीटर होता है उसमें। प्रचार प्रसार की बात कर रहे हैं आप, अभी यहाँ आप पहुँचे हैं, मेरे ख्याल से 14 वार्ड है यहाँ, 10 वार्ड उस तरफ गए, वहाँ से बहुत कम लोग यहाँ पहुँचे हैं, वहाँ के सरपंच को भी मालूम नहीं है कि यहाँ ऐसा प्रोग्राम रखा है। नहीं, अगर इस तरह की शिकायत की गई है तो ये सरासर गलत है। मैं आपको स्पष्ट कह दूँ, जो कल आप जो देख रहे होंगे आपके मोहल्ले में गाड़ी घूम रही थी वो आवाज़ मेरी थी, मैं अपने आवाज़ में रिकॉर्डेड ऑडियो बना के और मुखिया जी गाड़ी का व्यवस्था किए हुए थे और सारा पूरे पंचायत में उसको घुमाया गया था। अब उसके बाद भी लोग कहें जब हमको सूचना नहीं मिली है तो थोड़ा सा अजीब लगता है। हाँ, हमारे मोबाइल में जहाँ तक कि जितने कॉन्टैक्ट हैं पंचायत प्रतिनिधि के या जो जागरूक लोगों के, क्योंकि अभी आया हुआ हमको यहाँ पे कम समय हुआ है, एक महीना हमको हुआ है यहाँ पे आया हुआ, तो जितने लोगों का कॉन्टैक्ट था उनको मैंने पर्सनली व्हाट्सएप किया उस ऑडियो को, फिर गाड़ी घूमी है, तो सूचना का जो एक बेहतर उपाय होना चाहिए था किया गया। मैं कार्यक्रम पदाधिकारी बाबू बरहे मनरेगा। सर, यहाँ 14 वार्ड है, अभी 14 ही में है, क्या कुछ मुख्य समस्या आई है, क्योंकि 14 वार्ड बहुत ज्यादा आबादी। जी जी, नहीं, हमारे इस टेबल पे मनरेगा से संबंधित आवेदन आए थे, हमारे पास अभी 23 आवेदन आए हैं, जिसमें अधिकतर का मैंने डिस्पोजल करवा दिया है, वो आवेदन इंदिरा आवास में उनको पेमेंट हो चुका है, फर्स्ट किस्त या सेकेंड किस्त, लेकिन मनरेगा से बोल रहे थे कि वो पैसा नहीं जा रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं थी, उनके सारे को डिटेल्स हम लोग अकाउंट हम लोग चेक करवाए और पाया गया कि उनको पैसा दिया गया है, वो तो किसी तीसरे अकाउंट जो आधार से लिंक है उस खाते में उनको गया हुआ पैसा है ना। एक आध केस और आया है जिसका कि वो अपडेट नहीं कराया है। सर, ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए अकाउंट नंबर, क्योंकि कोई भी फॉर्म जो भरते हैं तो एक अकाउंट स्पेसिफिक नंबर मांगा जाता है, लेकिन क्या पैसा पेमेंट किसी और अकाउंट पे भी जा सकता है अगर लिंक हो? अरे, एक्चुअली क्या है कि इंदिरा आवास से सारे संबंधित है, तो आवास जब अलॉटमेंट होता है उसी समय जॉब कार्ड मैपिंग होता है ना, तो मैपिंग के समय ही अकाउंट और आधार भी लिंक कर दिया जाता है, लेकिन ये नए वाले सिस्टम में है, लेकिन पुराने वाले में इस तरह का नहीं था। उसका अकाउंट फिर से हम लोग मेरे ऑफिस से अपडेट होता था, उसी खाते में जाता है, क्योंकि आधार लिंक, आधार लिंकिंग का प्रोसेस है, तो आधार लिंक जिस अकाउंट से लिंक होगा, आधार अब तो सर सारे अकाउंट से लिंक हो गया ना, कोई भी हमको लगता नहीं कि कोई भी ऐसा नहीं, नहीं, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का हो सकता है कि दो अकाउंट हो, लेकिन यहाँ पे अकाउंट कोई दूसरा अकाउंट दिए हुए है, लेकिन उसका आधार जो है किसी तीसरे अकाउंट से लिंक है, ये हमको नहीं दिया गया, इसलिए वो हो सकता है उसके खाते में, उस खाते में भी अल्टीमेटली ऑटोमेटिक चला जा सकता है। हाँ हाँ, चला जाता है, आधार से लिंक जिसमें रहता है उसमें चला जाता है। मेरा नाम संतोष कुमार, हम प्रभारी अंचल निरीक्षक बाहुबली। यहाँ आने के बाद आपको आज क्या कुछ मुख्य समस्या लग रही है इस गांव?
हम लोग मेनली जमीन संबंधी, जमीन विवाद जो होता है भूमि विवाद संबंधी के लिए हैं, आए हुए हैं। तो यहाँ कुछ कुछ आया हुआ है हमारे पास जो आवेदन, मेनली सरकारी रास्ता अतिक्रमण ये सब के संबंध में, तो ये सब हम लोग का संज्ञान में आ जाएगा। तो इसके बाद आ गया है तो जांच करवा के और इसको दूर करेंगे, बस यही है। चार ही वार्ड है और 10 वार्ड जिस तरफ है, पंचायत भवन जिस तरफ है, पंचायत भवन स्कूल भी है, वहाँ पर पानी लगने का समस्या पिछले कई साल, इसके बारे में जो मैडम थी उनसे बात हुआ था, हम लोगों ने यहाँ के जो विधायक विधायिका है बिना कामत जी उनसे भी बातचीत, उनका ही कहना था कि वहाँ पर अतिक्रमण को लेकर के थोड़ी ज्यादा समस्या है। सर ये आगे कई सालों से ये समस्या है, कब निदान होगा सर? क्योंकि बहुत सालों से कंप्लेन तो जा रहा है लेकिन अभी तक समस्या नहीं, क्योंकि वहाँ के स्कूल है और समझ लीजिए कि अभी तो बरसात का मौसम इस बार सही से आया नहीं है, लेकिन बारिश जब एक दफा भी हो जाती है तो वहाँ पूरा पानी लग जाता है, जमा लग जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, स्कूल में पानी भर जाता है, पंचायत भवन में पानी रहता है, कब सर इसका निदान? पंचायत भवन जो वहाँ पर है बना हुआ जी, तो वहाँ का प्रस्ताव हम लोग पंचायत सरकार भवन के लिए उसी जमीन का NOC तैयार है देने के लिए, वहाँ बड़ा वाला पंचायत सरकार भवन बनेगा तो सब समस्या का निदान अपने आप मिल गया। हाँ, NOC तैयार हो गया, सड़क को लेकर समस्या है क्योंकि वहाँ पे माना जा रहा है अतिक्रमण, वहीं पे एक डबरा था जो पानी, जब बनेगा पंचायत सड़क पंचायत सरकार भवन तो उसको कुछ ऊंचाई पर बनाया जाएगा तो पानी उनी का समस्या दूर होगा। समस्या है कि पंचायत भवन तो ऊंचा बन जाएगा लेकिन जो सड़क नीचे है, पानी नीचे है, उसका पानी निकासी का व्यवस्था भी किया जाएगा, कब किया जाएगा? पहले तो NOC मिल गया उसको बनने दीजिए, अब तक पानी जहाँ लगेगा उसको हटाया जाएगा। कितना वक्त लगेगा सर इसको लेकर? आप ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सरकार का पहले जो था उसको क्लस्टर में आपको पंचायत सरकार भवन तैयार करता था कि इसी 3 को का NOC देना, अब हटा दिया है, अब जो भी पहले दे देना है, तो हम लोग 6 को पहले दे दिए, यहाँ दिक्कत था। मैं राधारमन मुरारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी बाबूबरी। सर अभी जो प्रोग्राम रखा गया है खास करके ये बाबूबरी करके है, प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? ये जिला से ही इसका शेड्यूल निकाला गया है, तो जिला पदाधिकारी द्वारा ये कहा गया है कि प्रत्येक बुधवार को एक पंचायत में कैंप लगेगा, तो इसमें मेन उद्देश्य है कि जो समस्याएं जनता की हैं, जो भी उनकी शिकायत है, तो प्रखंड के जितने भी विभाग हैं वो प्रखंड में कैंप करेंगे पंचायत में और उनकी समस्या को सुनेंगे, जो त्वरित समाधान हो सकता है उसको त्वरित समाधान करेंगे, जिसमें अगर समय लग सकता है तो नोट करके उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आज यहाँ सभी विभाग जो हैं प्रखंड के यहाँ पे उपस्थित है, सबका अपना काउंटर लगा हुआ है, जिस विभाग से इनको जो समस्या है वो यहाँ आवेदन देंगे और उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। सर क्योंकि आप यहाँ आए हैं चौराही पंचायत में, चौराही पंचायत में 14 वार्ड है लगभग और 4 वार्ड इस तरफ है जिस एरिया में अभी है, 10 वार्ड इस तरफ है, तो सर आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये कैंप लगना चाहिए था उस तरफ लगना चाहिए था, क्योंकि उधर ज्यादा तादाद थी, उधर ज्यादा आबादी थी, 10 वार्ड पर छूट रहा है? तो ये तो पंचायत के जो प्रतिनिधि है मुखिया जी उन्हीं को डिसाइड करना है, क्योंकि जो आता है तो फिर जो प्रतिनिधि है वो जो स्थल चयन करेंगे वहाँ पे कैंप लगता है, तो ये सर मुखिया जी का चयन? हाँ हाँ, जो पंचायत में प्रचार प्रसार भी उन्हीं को करना है, जहाँ पे डिसाइड होता है वहाँ हम लोग उपस्थित होते हैं। देखो स्थान को लेकर के उन्हें कहा गया कि पंचायत भवन में स्थान कम था, तो उन्होंने विद्यालय में और कहा कि ये पंचायत के बीचों बीच स्थान पड़ता है, इसलिए उन्होंने चयन किया। ये हमारे तरफ से चयन नहीं होता है, स्थान प्रोग्राम भी होता है आपका या फिर आना है बस बैठ के जाना है? नहीं, पहले तो जो समस्या का हम लोग सुनेंगे, समस्या का जो सुनने के बाद भी कहाँ कहाँ है समस्या, जहाँ भ्रमण की आवश्यकता होगी वहाँ जाके हम लोग स्थलीय जांच भी करेंगे। 4-5 सालों से लगभग यहाँ का जो पंचायत भवन है इस गाँव का, वो शायद अगर आप नहीं गए हों कभी तो आप कोशिश कीजिए कि जाके देखिए, वो इस तरह से टूटा हुआ है, आपको लगे कि जानवर के बांधने के लायक भी नहीं। नहीं, अब जो है ना, एक नया आपको अपडेट कर देता हूँ, जैसे हरेक पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना है, तो पहले था कि क्लस्टर के रूप में एक एक पंचायत लिया जाता था, तो अब वो बाध्यता समाप्त हो गई है, अब जो भी पंचायत जमीन उपलब्ध करा देंगे सरकारी जमीन, उसका अगर NOC मिल जाता है CO से तो तुरंत उसका निर्माण शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों ने अपने बाबूबरी प्रखंड के जितने भी पंचायत हैं जहाँ पे निर्माण नहीं हुआ है पंचायत सरकार भवन का, उनसे हम लोग मुखिया जी से हम लोगों ने डिमांड कर दिया है कि आप स्थल का चयन करके हमें दे दीजिए, NOC हम लोग वहाँ से CO से ले लेंगे
और जैसे ही वहां से NOC प्राप्त होगा तो तुरंत जिला से उसकी स्वीकृति मिल जाएगी और वहां पे नया भवन का निर्माण शुरू हो जाएगा। यहां क्योंकि पहले से था और अभी बनना है तो इसके लिए कोई आपका इधर से मुखिया जी की तरफ से कोई पहल हुआ है? हाँ हाँ, मुखिया जी को हम लोग कहे हैं, अभी वो जगह स्थल चयन किए हैं, जो स्थल चयन के बाद वो जाएगा, जो उसका खाता खिस रहा है वो CO को उपलब्ध कराया जाएगा, वहां से वो अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देंगे कि यहाँ पे बनाया जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, तो आगे का काम शुरू हो जाएगा। ये कब तक वक्त लगेगा इस काम को पूरा होने में? तो यथाशीघ्र, जैसे ही NOC प्राप्त होगा जिला को हम लोग अवगत करा देंगे कि जमीन उपलब्ध हो गया, जिला में पैसा उपलब्ध है। पहले था तभी तो बना हुआ था वहाँ? नहीं नहीं नहीं, अब नया बनना है, अब पंचायत सरकार भवन बनना है। अच्छा। पंचायत सरकार भवन में आपको RTPS काउंटर होगा, सभी जितने भी विभाग हैं उनका ऑफिस होगा, तो एक तरह से ये मिनी ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है। अभी हमारे यहाँ बाबूबरी में 6 पंचायत में निर्माण हो चुका है, तो ये मिनी जो ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है, इसमें जनता को ब्लॉक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जातीय आवासीय आय बनवाने के लिए, जन्म मृत्यु के लिए आप ब्लॉक जाते हैं, तो वो आप नहीं जाना है, पंचायत सरकार भवन में ही RTPS काउंटर होगा, उसके लिए एग्जीक्यूटिव अपॉइंट रहेंगे, वहां बैठेंगे और जो भी आपका आवेदन है वही ऑनलाइन हो जाएगा, तो ये सब आप सुविधा हो जाएगी। जो प्रोग्राम होता है, जो कैंप रखा जाता है, उसको लेकर के जनप्रतिनिधि को जो बताने की बात है, क्योंकि गांव में अलग अलग जनप्रतिनिधि है, चाहे मुखिया हो, सरपंच, कहीं ना कहीं सरपंच भी दिखाई नहीं दे रहे, हम लोगों ने उनसे बात की तो उनका कहना हमने बायकॉट किया होगा क्योंकि एरिया गलत चूज किया गया, हमारे तरफ ज्यादा प्रॉब्लम था लेकिन प्रॉब्लम की समस्या की वजह से आप इधर आए। तो क्या सर, इधर जो समस्या आज आप आए हैं, किस तरह की समस्याएं आपके पास आई है, क्या लग रहा है मुख्य समस्या क्या है? देखिए, समस्या जो बहुत सारे लोग का आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं बना था, तो करीब 36 आवेदन हमारे पास हैं आयुष्मान कार्ड का, जिनको स्वास्थ्य कार्ड जो कहते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए उनको मिलता है 5 लाख तक का इलाज, मुफ्त इलाज, तो उसके लिए आवेदन आया है, जिनका नहीं बना हुआ है तो वो आवेदन भी हम लोग जाकर के आगे प्रोसेस करवाएंगे कि अगर वो लाभार्थी जो है उनको मिल सकता है तो उनको कार्ड बनवाएंगे। नल जल की समस्या लेकर के आज हम लोग बैठक भी किए, जो पुराने वार्ड सदस्य थे, नए वार्ड सदस्य थे, उनसे हम लोग फीडबैक लिए कि क्या समस्या है, कहाँ पानी पे जा रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है, तो वो सब समस्या से अवगत हुए। हमारा वेंडर भी हम लोग लाए हुए थे कि जहाँ पे रिपेयरिंग की जरूरत है, तो वेंडर को हम लोगों ने निर्देश दे दिया है कि वो जाकर के फील्ड विजिट करके रिपोर्ट देगा कि कहाँ कहाँ लीकेज है, कहाँ समस्या है, ताकि हम लोग नल जल को भी चालू कर पाएं। इसके अलावा जैसे वो कुछ एक दो लोग आए कि हमको आवास नहीं मिला है, तो अगर उनका नाम होगा तो बिल्कुल उनको मिलेगा, अगर नाम नहीं होगा तो हम जुड़वाने का प्रक्रिया जब शुरू होगा तो वो करवाएंगे। तो इस तरह के विभिन्न, कुछ लोग का जमीन का समस्या था तो वो अंचल के स्कॉल्टर पे लोग गए। हाँ सर, जो नल जल योजना है, आप खुद एक पदाधिकारी हैं, आप बेहतर जानते होंगे, क्या वजह लगती है सर इसके फेल होने की, क्योंकि अगर आप किसी भी न्यूज चैनल पे जाएं, आप अगर सर्च करें, देखिए ये समस्या जो बिहार से है वो कहीं ना कहीं नल जल योजना बन गई है, क्या वजह लगती है? नहीं देखिए, इसमें हुआ क्या है ना कि एक तो जो है कि ये ऐसा योजना है जिसको रेगुलर मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है, कभी कहीं सड़क निर्माण हो रहा है, कहीं कुछ आपको निर्माण होता है, पाइप कहीं डैमेज होता है, तो इसमें क्या है कि जो सरकार का निर्देश भी है कि 30 रुपया जो यूज करेंगे, यानी कि यूजर चार्ज लाभुक देना है, आज तक कोई उसका यूजर चार्ज नहीं दिया, तो मेंटेनेंस में दिक्कत हुआ, जो चूंकि वार्ड को उसको मेंटेन करना है, वार्ड को चलाना है, तो ये सब कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आया है जिसको हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं कि उसको समाप्त करें। सरकार से भी अब इसके लिए राशि उपलब्ध हो रहा है, जो नल जल चलाएंगे उनको भी उसके लिए मेंटेनेंस के लिए मिलेगा, और मेंटेनेंस के लिए पैसा है, पहले से प्रावधान नहीं था, तो सरकार ने भी कहीं ना कहीं देखा कि समस्या है, उसके निदान के लिए प्रयास किया गया है। ऐसे ही हम लोग भी ये कैंप लगाए हैं कि जो फील्ड में दिक्कतें आ रही हैं उससे हम लोग भी अवगत हों। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल ये होगा कि चूंकि आप यहाँ प्रोग्राम आज का था, कैंप आज खत्म हो जाएगा, दोबारा कब नंबर आएगा, इसकी कोई अभी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, तो जिन लोगों ने अपने यहाँ आकर के कैंप में आपसे मुलाकात नहीं की, अलग अलग पदाधिकारी से अपना प्रॉब्लम दे रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उधर के लोग हैं वो आए नहीं है, फिर क्या भी आप अगर अंदाजा लगाएं तो आपको भी पता चला होगा कि उधर के जो 10 वार्ड है वहाँ से कम लोग आए, उनकी शिकायत के बारे में क्या बताएंगे? तो अगर वैसा है तो हम लोग फिर उस वार्ड में भी एक आध कैंप लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कैंप लगा तो फिर कैंप नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए ये कैंप जिला से शेड्यूल्ड है, मैं अपने तरफ से किसी एक दिन का कैंप रख दूंगा, अगर मुझे फीडबैक मिलेगा कि हाँ एक ही, क्योंकि अब हम लोग जब संकलन करेंगे कि कंप्लेन कहाँ कहाँ से आया, किस वार्डों से, तो अगर कुछ वार्ड से प्रतिनिधित्व कम होगा या कंप्लेन कम होगा, इसका मतलब कि वहां से लोग नहीं आए या उनको सूचना नहीं है, तो बिल्कुल टेकअप करेंगे। अपने ब्रांड, कंपनी या संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें, जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें,
अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।